आगे। सो गाइस, हमने शुरू किया है अब हमारा हाइक। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा कौशल्या डैम। और स्टार्टिंग के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास स्टार्ट करना है यार इसको, ये आ रहा है, एक बार करना, दोबारा करना इसको, बस हो जाए। तो यहाँ से हमने कर दिया है वर्कआउट स्टार्ट। तो बेसिकली ये ट्रैक करेगा हमारे स्टेप्स, हमारी स्पीड, हमारा टोटल डिस्टेंस और साथ में हमारी कैलोरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमने कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं इस हाइक में एंड हमने कितना फैट लॉस अचीव किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हमने कर दिया है अब स्टार्ट। यहाँ से हमारी छोटी सी हाइक स्टार्ट होते हुए एंड इसके साथ हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने, उसके पीछे कसौली हिल्स जो कि अभी दिखेंगी नहीं बट वहाँ से दिखेंगी। सो दिस इज वेयर वी हैव टू गो। यहाँ हमने स्टार्ट तो कर दिया है बट धूप हमारा साथ नहीं दे रही। सूरज देवता हमारे से बहुत नाराज हैं और हमें लेकिन विटामिन डी बहुत मिल रहा है यार, है ना, जो घर पे बैठे बैठे नहीं मिलता वो आज हमें काफ़ी मिल रहा है। विटामिन डी की हमारी सारी कमियाँ आज पूरी हो जाएंगी। आज हमने इस हाइक पे फैट लॉस और विटामिन डी गेन करना है बस। सो हम लोग अब ऑलमोस्ट कुछ दूर तक आ गए हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं गाइस, 10 मिनट्स हो चुके हैं हाइक स्टार्ट करें एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम नेचर को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खुले में बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे घर से बाहर निकले, मतलब बहुत अरसा बीत गया था कि ऐसे टाइम पे घर से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, देखें बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। एक तो कोरोना और ऊपर से आजकल के लाइफस्टाइल ने बिल्कुल ही लाइफ को सेडेंट्री बना दिया था। सो आज इस तरह बाहर आगे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अभी लेट्स गो, देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है हमें रास्ते में। डैम की पहली लुक यहाँ से लीजिए। ओ, एक किलोमीटर हो गया, कवर कर लिया। एक किलोमीटर कवर करके हम डैम के नज़ारे के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और ब्राउन मुंडे थकते जा रहे हैं, हैं? थक तो नहीं रहे बट रास्ता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मज़ा आ रहा है बहुत टाइम बाद, थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है, हो गया थोड़ा बहुत। हाँ क्योंकि क्योंकि अब हम उस पर चल रहे हैं, इंक्लाइन पे चल रहे हैं तो हम अब हमारी कैलोरीज एक्स्ट्रा और बर्न होंगी जिससे फैट लॉस एंड कटिंग में काफ़ी हेल्प होगी। सो हाँ अब प्रॉपर कैलोरीज बर्न होगी। तो यही मैं आप लोगों को पहले भी बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे हाइक से आपको बहुत मज़ा भी आएगा प्लस आप साथ में इन्जॉय भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के साथ एंड साथ ही साथ अपनी कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं जो आपका डेली गोल है फॉर फैट लॉस। सो थोड़ा आगे पहुंचते हैं फिर लेट्स कंटिन्यू। ओए मून दिखने लग गया। अरे हाँ गाइस, लेट्स ट्राई टू कैप्चर दिस। ये देखिए आप मून भरी दोपहर में, आई डोंट नो अभी इतनी ब्राइटनेस है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिख रहा है या नहीं बट इट इज देयर। मेरा डैम ये रहा बट इसका रास्ता कहाँ से है ये अब फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि अब दोबारा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया है बट ये तो कहीं और ही जा रहा है। होपफुली वहीं तक जा रहा है। डैम के लिए नीचे उतरने का रास्ता देखना पड़ेगा, ये डैम का तो बिल्कुल क्लियर व्यू आ गया। ये रहा कौशल्या डैम।
हम लोग डैम के पास पहुंच चुके हैं, काफ़ी पास, बट अभी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम नीचे कैसे जाएं, क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारे डैम है, बट वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता चल रहा क्योंकि आसपास घर हैं एंड एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पे लोग रहते हैं। गाइस फाइनली हमने रास्ता ढूंढ लिया है नीचे कौशल्या डैम तक जाने का, और ये अचीवमेंट हमारे को बहुत पसंद आ रही है। इसके बाद हम इतने खुश हैं। हमें भी पानी की ज़रूरत है क्या? दे दो, तू पी ले आधी घूट, फिर चलते हैं आगे। नीचे ऐसे आ जाओ नीचे यार, अभी तो बैठे और फोटो बहुत अच्छी है। ये देखना कितना सही जगह है, मतलब यार बहुत ही प्यारी जगह, मतलब मैं पिछले 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरे को पता नहीं था कि मेरे घर के आसपास इतनी इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे इतना सुकून है, तो मतलब नेक्स्ट लेवल है यार, आप लोग खुद ही देख लो। ऐसी रो, ऐसी रो, ऐसी रो। यार एक बार यहाँ आ जाओ, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ ये खड़े हो जाओ, यहाँ पर आओ एक बार, जहाँ मैं खड़ा हूँ एक बार यहाँ पर आओ, फोन ऐसे पकड़ लो। 2 किलोमीटर गुड इनफ, आराम से आराम से। क्या हो गया? बच गया ना, थोड़ा देख के यहाँ पे अभी बच गया, कुछ नहीं हुआ, आ जा। बहुत कुछ नहीं होता, आ जा यहाँ पे, हमेशा ध्यान से चलो, जब ये ऐसे पत्थर हो ना ये कट कर देना। अरे कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा, बट हमेशा ध्यान से चलना चाहिए जहाँ ऐसे पत्थर हो, क्योंकि आपका पैर बहुत जल्दी फिसलता है। यही है डैम के गेट्स जो बारिशों में खोल देते हैं। सो गाइस फाइनली हम डैम के ऊपर पहुंच चुके हैं, एंड ये कौशल्या डैम के ऊपर का रास्ता है, यहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बट बहुत मज़ा आ रहा है पहुंच के। अवनीत क्या हो गया? बहुत थक गया? बहुत ज़्यादा। नहीं थकना नहीं है, चल चलो। क्या नज़ारा है यार, मज़ा ही आ गया, मज़ा। इससे अच्छा क्या होगा? कैसा लगा अवनीत? बारिशों में काफी ऊपर तक आ जाता होगा पानी। कहाँ पे? काफी ऊपर तक आ जाता होगा पानी बारिशों में। बारिशों में तो ऊपर आएगा ही यार, बारिशों में तो डैम ओवरफ्लो होने वाला हो जाता है, तो बात नहीं कर पाएंगे। अरे फेंसिंग कुछ नहीं लगी यार, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं नॉर्मल रास्ते से, तो अब हम करेंगे किसको फॉलो? गाय को। अब हम यहाँ से गाय को फॉलो करेंगे, ये दोनों गाय। ए आजा साथ में, आजा, लेट्स गो गाय, चलो पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलो। ओए नो, अरे कुछ नहीं कहेगा, आजा आजा, अरे कुछ नहीं कहेगा। गाय बार बार मुड़ के देख रही है कैमरा में, ये क्या चल रहा है, व्लॉगिंग स्लॉगिंग है। अरे क्या हो गया अवनीत, आराम से आजा, फिर से नहीं होना, वो फिर से मत फिसल जाइयो, आ जा देख के चल, थोड़ा सा जहाँ पत्थर, जो पैर है ना वो ऐसे इतना टेढ़ा मत करा कर, हाँ हल्का सा टेढ़ा करा कर, ज़्यादा टेढ़ा करेगा तो स्लिप होएगा। ओह तो अब हमने वापस रोड पकड़ ली है, अच्छी रोड, अब हम रवाना हो जाएंगे अपने घर की ओर, अब हम पैदल पैदल अपने घर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि टोटल कितना एडवेंचर में कितना कैलोरीज और कितना फैट लॉस हुआ है और कितना मज़ा आया है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस, एंड अब चेक करते हैं कि हमारा फाइनल वर्कआउट कितना हुआ है। ऐसे दिख जाएगा, स्टॉप कर देते हैं ना, स्टॉप ही है, ओके स्टॉप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर, 4.32 किलोमीटर्स, 293 कैलोरीज, एलिवेशन 251 मीटर्स, 251 मीटर का एलिवेशन, तो इसके साथ मसल्स अच्छी स्टिम्युलेट भी हुई होंगी लेग्स की,
एंड मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया. Absolutely. और साथ में ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज. हाँ, मतलब 300 कैलोरीज का मतलब हो गया एक आधे घंटे का कार्डियो सेशन. हाँ. जिसमें आप हल्की फुल्की रनिंग और वो सब करते हैं. फन प्लस कैलोरीज प्लस एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है ना. बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा. एंड यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं. एंड नेक्स्ट ब्लॉग कब बनाना है? संडे को. संडे को हम जा रहे हैं फिर फॉरेस्ट, जो आसपास में जंगल है, तो वहाँ जाएंगे. वहाँ देखेंगे कि वहाँ का ट्रैक कैसा है एंड वहाँ पे कितना एडवेंचर कर सकते हैं. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.